हाय गाइस, वेलकम टू एफसी। मैं राजदीप और आप देख रहे हैं एफसी टेक्निकल वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कैनन आईआर 2270 सीरीज़, 3025 सीरीज़ में इसके कंट्रोल पैनल में जो एलसीडी होता है उसमें आपका फिगर कभी कट जाता है, कभी फुल स्क्रीन ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, या फिर कभी कभी इस टाइप से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। तो आप इसे कैसे रिपेयर करोगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप इसमें इजीली सीख सकते हो कि इस टाइप के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे। सबसे पहले कंट्रोल पैनल को मशीन से ओपन कर लेना है। ये चार स्क्रू ओपन कर लेना है, एक ये दो तीन चार और पांच, सॉरी पांच स्क्रू ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको ये कवर खोल लेना है, ऐसे खुल जाएगा। फिर हमें सबसे पहले डिस्प्ले का कनेक्टर ओपन कर लेना, बहुत सावधानी से वरना लॉक टूट जाएगा। ये ओपन करने के बाद हमें ये वाला कनेक्शन हटा लेना है। ये कनेक्शन हटा लेने के बाद इस लॉक से इसको रिलीज करते हुए इसको अलग कर देना है। उसके बाद हमें ये पावर का कनेक्शन हटा लेना है, एलसीडी का जो पावर का कनेक्शन होता है ये हटा लेना है हमें। ये हम इसको रिलीज कर दिए हैं। अब हमें स्क्रू ओपन करना है। ये कवर को हटा लेना है, ये कवर हट जाएगा, इसमें बोर्ड वोर्ड वगैरह सारा इसी में अटैच होगा। इसको हम बाहर निकाल लिए। अब ये मेरा एलसीडी हो गया, ये कीबोर्ड हो गया। ये एलसीडी सेक्शन है और टच सेक्शन है और ये कीबोर्ड सेक्शन है। यदि आपको टच चेंज करना है तो ये आप ऐसे ओपन कर लेंगे, ये एलसीडी ओपन हो गया है, ठीक है। और यदि आपको टच चेंज करना है तो ये आपका टच हो गया, ये टच आपके पास ऐसा ही आएगा। आपको नया वाला टच इसमें ऐसे फिट करके इसके ऊपर एलसीडी फिट कर देना, आपका टच स्क्रीन भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हमको टच नहीं चेंज करना है तो हम इसको हटा देते हैं। अब हमें इसका बोर्ड ओपन कर लेना है, ये एलसीडी का बोर्ड ओपन करना है। और बोर्ड ओपन करने से पहले हमें इसका ये फ्लैट केबल ओपन कर लेना है। तो इसको ओपन करने के लिए ये लॉक को रिलीज करना होगा, ये लॉक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये लॉक रिलीज हो गया। सेम इस साइड भी इसका एक फ्लैट केबल है तो इसको भी हम लॉक रिलीज कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये लॉक रिलीज हो गया, बट इसका ये ओपन हो गया है। अब इसमें हमें ये बोर्ड को ओपन करना है, ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसे ओपन करके इसके कनेक्टर को क्लीन करना होता है। तो ये दोनों कनेक्टर हम क्लीन करेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं।
हम इसके दो स्क्रू होते हैं, इसे ओपन कर लिए हैं। और ओपन करने के बाद ये बोर्ड में ये लॉक होता है, इसे हम सीधा कर लेते हैं और ये बोर्ड हमारे हाथ में आ जाएगा। इधर भी एक लॉक है और ये बोर्ड अपना आ गया है। अब इसमें हमें क्लीन करना होता है, इसमें ये जो होल्डर है इसको हमें क्लीन करना है, और इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें रिकनेक्ट करना है। तो हम एलसीडी को साइड में रख लेते हैं और इस बोर्ड के कनेक्टर को हम क्लीन करेंगे। तो इसको हम क्लीन करने के लिए एक ब्रश चाहिए होगा, थिनर चाहिए होगा। पहले इसमें हम थिनर डाल देंगे सारे कनेक्टर में, और फिर हमें ब्रश से अच्छी तरह इसको साफ कर लेना है। इसे थोड़ा सावधानी से ऐसे साफ कर लेना है। इसमें एक्चुअल में जंग टाइप का कुछ लग जाता है, कार्बन टाइप का, जिसके कारण डिस्प्ले हमारा पूरा नहीं आता है, थोड़ा रुक रुक के आता है, या फिर कभी आता है कभी चला जाता है, या कभी पूरा ब्लैंक हो जाता है, तो इसी के कारण से होता है। इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप देख सकते हैं हम इसे अच्छे से क्लीन कर लिए। अब इसके केबल को भी थोड़ा सा हम थिनर देके पास कर लेते हैं, इसके फ्लैट केबल को भी। इसको भी हम क्लीन कर लिया है। अब एलसीडी के पॉइंट को चेक करना है। हमें इन दोनों फ्लैट केबल को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है, इस फ्लैट केबल को और इस फ्लैट केबल को अच्छे से क्लीन कर लेना है। यही दोनों बोर्ड में जाके कनेक्ट होते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से क्लीन करना है। देख सक रहे हैं, तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं। इसमें हमें बोर्ड फिट कर देना है, तो हम इसमें बोर्ड फिट कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद ये बोर्ड फिट करना पड़ता है। ये फिट हो चुका है। अब ये दोनों फ्लैट केबल को हम इसके होल्डर में अच्छी तरह फिट कर लेंगे और फिर इसे हम रिकनेक्ट करके चेक करेंगे।
इस कनेक्टर को इसमें फिट कर लेना है। उसके बाद हमें ये कनेक्टर फिट कर लेना है, ये फ्लैट केबल में, ये फ्लैट केबल को फिट कर लेना है कनेक्टर में, ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। बड़े सावधानी से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद इसे लॉक लगा देना और वापस से ऐसे आपको देख लेना कि फिट हुआ है कि नहीं हुआ। ये देख सकते हैं फिट हो चुका है हमारा। अब इसे वापस इस कंट्रोल पैनल में एलसीडी को बिठा देना है और इसका स्क्रू टाइट करना है। इसे अच्छी तरह से हम जैसे ओपन किए थे वैसे ही फिट कर लेना है। और फिट करने के बाद हमें मशीन में ये कंट्रोल पैनल लगा के चेक करना है कि हमारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं क्लीनिंग के बाद हम इसको ऑन करके देखते हैं कि हमारा डिस्प्ले सही हुआ है कि नहीं। और ये देख सकते हैं हमारा डिस्प्ले सही हो गया है।